ये जुझारू प्रदर्शन को आप संगठित किया इधर, लेकिन साथ साथ ये भी आपको बताना चाहते हो, आज के दिन हिंदुस्तान के सारे राज्यों में सीआईटीयू का अखिल भारतीय सम्मेलन के सिद्धांत के मुताबिक यही मुद्दे पर समान काम के समान वेतन लेकर यही मुद्दे पर आज प्रदर्शन देश के हर राज्य में जारी है। आप अकेला नहीं है ये संघर्ष में, देश के मजदूर आपको साथ में है। दूसरी बात यह है जो ये लड़ाई का एक शुरुआत है, सुप्रीम कोर्ट के राय तो 26 अक्टूबर को आया, लेकिन उसका बहुत पहले से 1970 साल से कॉन्ट्रैक्ट लेबर का जो अधिनियम है उसका रूल्स में ये लिखा गया था समान काम के लिए समान वेतन देना होगा, कानून में लिखित है। लेकिन 70 साल से 2016 बीत गया, कुछ नहीं हुआ। कुछ कुछ जगह में मजदूरों ने कुछ कुछ संस्थाओं में लड़ते हुए ये मांग हासिल भी किया, ठेका मजदूरों को नियमितकरण के माध्यम में बहुत सारे सेक्टर में और संघर्ष करते हुए हासिल भी किया। और ये हमको वे ही बताते हैं जो इधर जैसे हम प्रदर्शन कर रहा हूं, हर संस्थाओं के आधार पर सारे मजदूरों को जोड़ते हुए ये मुद्दे पर संघर्ष को छेड़ना होगा, ये महसूस करवाना होगा वो सारे संस्थाओं का प्रबंधन को और सरकार को भी। अगर संस्था चलाना है समान काम के समान वेतन देना है, संस्था अगर चलाना है तो ये मांग जो लोकतांत्रिक मांग जो सुप्रीम कोर्ट भी जिसके ऊपर छप्पा लगाया इसको लागू करना है, तो नहीं तो तुम संस्था चला नहीं पाओगे। हमारे संघर्ष को इस ऊंचाई में ले जाना है, उसका शुरुआत आज है। साथियों हैरानी का बात है जो कानून में लिखा है हमको उसको मांग करना पड़ता है, तो कानून को लागू करो, ये सरकार की जिम्मेदारी है कानून लागू करना, मांग क्यों करना पड़ेगा? अगर दूसरा कानून भंग होता है हमारे पुलिस है हमारे कोर्ट है वो तुरंत उसके ऊपर कूद पड़ेगा, लेकिन मजदूर के बारे में अगर न्यूनतम वेतन नहीं दिया जाता है, मजदूरों के बारे में अगर समान काम में समान वेतन नहीं दिया जाता है उसी पर कोई एक्शन नहीं होते हैं। ये कानून उल्लंघन करने वाले को तब प्रधानमंत्री पुरस्कार देते हैं, अच्छी एंटरप्रेनर का रूप में अच्छी उद्योगपति का रूप में जो सबसे ज्यादा लूटता है मजदूरों को उसको सबसे ज्यादा रिवार्ड बनता है। कहे ये लूटते हुए जो पैसा पैदा होता है उसका एक हिस्सा मंत्रियों को पास जाता है सरकार को पास जाता है, यही है पूंजीवादी व्यवस्था के लूट आम जनता के ऊपर। और हमारे संघर्ष है ये लूट के खिलाफ, तो इसलिए हम बोल रहा जो आज का ये है पहला चरण है, दूसरा चरण ये होगा जो जो संस्थाओं से आप आए हैं अपने अपने संस्थाओं के आधार पर जहां समान काम में समान वेतन नहीं मिल रहा है ये सारे दस्तावेजीकरण करते हुए लिखते हुए आपको ज्ञापन देना होगा अपना प्रबंधन को, और वो ज्ञापन का ये कॉपी इधर भेजना होगा श्रम मंत्रक को। और ये सारे ज्ञापन एक करते हुए दूसरे चरण का संघर्ष हमारे होगा संस्थाओं का आधार पर हड़तालें प्रदर्शन संघर्ष, और उसको अंत में फिर आज जितने लोग इधर समावेश हुआ अगर ये प्रक्रिया में हम आएंगे तो इसको 10 गुना लोग ये आवाज इधर बुलंद करेगा, और वही रास्ता है ईमान को हासिल करने का। हर संस्थाओं का उद्योगपति को ये महसूस करा रहा ना जो इसको बारे में गौर करो नहीं तो चलना मुश्किल होगा, यही हमारे सीआईटीयू सम्मेलन का सिद्धांत है डिसीजन है। जो आज प्रदर्शन का जरिए जो कार्यक्रम हम शुरू किया हर संस्थाओं में एक एक मुद्दे जो है समान काम में समान वेतन ना देने का उसको रेखांकित करते हुए ज्ञापन देना
और ये सारे ज्ञापन को इकट्ठा करते हुए सारे देश से आज जब आएगा ये लेके आऊ बड़ा संघर्ष चिन्ह देश के आधार पर जाति के आधार पर। ये एक अपराध है, सामाजिक अपराध है जो एक ही काम हम कर रहा है उसके बाद दूसरे जो साथी आता है वही मशीन में काम करने के लिए उसको आधा से कम तनख्वाह मिल रहा है। ये संबंधक इधर पर जो कैजुअल ठेका मजदूर लागू है जो काम करते हैं सरकारी कर्मचारी जो काम करते थे वही काम करते हैं, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर्स है यही बिल्डिंग में जो स्थायी काम है वो काम बिना ये दफ्तर प्रशासन नहीं चल सकता है, उसको भी 7 पे कमीशन मिलता नहीं है, उससे आधे से कम पैसा देता है। ये कैसा खुदगर्जी है, ये तो डकैती है, कोई सभ्य समाज में चल सकता है? कानून के रखवाले, कानून के रखवाले हमारे जो प्रशासन है, हमारे जो पुलिस व्यवस्था है, इसका ऊपर भी तो उसको गौर करना चाहिए। देश में संसद में पारित हुए कानून लागू नहीं हो रहा है, हमारे देश के जो संविधान है, देश के संविधान में जो बुनियादी बात लिखा हुआ है जो समानता सबके लिए, इसको रोजाना पैर तले कुचला जा रहा है काम के जगह में, खास करके मजदूरों के बारे में। ये चल सकता है? ये चलना नहीं चाहिए, लेकिन चलना नहीं चाहिए बोलने से काफी नहीं है, चलेगा नहीं ये वास्तवता हर काम के जगह में अगर हम तैयार कर पाएंगे और जरूर करेंगे आने वाला दिन में, तब जाके ये मांग हम हासिल कर सकता है, करना संभव है। ऐसे नहीं सुनेगा, ये कहावत है भाई, जो बातों को जो बातों में जिसको मनाया नहीं जाता है उसको मनाया जाने के लिए दूसरा कुछ इंतजाम करना पड़ता है। हमारे हाथ में दूसरा कुछ है, हमारे संघर्ष हर उद्योग में हर काम के जगह में ये प्रतिरोध ये रुकावट पैदा करना बनाना संघर्ष के जरिए। अगर चलना है चलाना है तो मजदूरों को जायज जो मांग है जो न्यायिक मांग है एक ही काम कर रहा है, हमको 2000 रुपया मिलता है और किसी को 20,000 मिलता है, क्या 20,000 मिलने वाला क्या नोबेल लॉरियट है, नोबेल प्राइज मिला है उसको? और जो काम कर रहा है 2000 लेके एक ही काम एक ही कुशलता के साथ, और ये काम सिर्फ डंडा धर के खड़ा पकड़ के खड़ा होना नहीं गेट में, ये काम कंप्यूटर के जरिए हो रहा है, ये काम बड़े बड़े जो रेखांकित काम है बड़े 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 जो जिसको चलते संस्था चलता है सारे काम में, ये जो ठिका व्यवस्था का जहर फैला जा रहा है काम के जगह में, ये ठिका व्यवस्था के जरिए ये अन्याय समाज के ऊपर थोपा जा रहा है, इसको खिलाफ हमारे संघर्ष है पहला चरण में। और आज जो सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर छप्पा लगाया, मान के चलिए ऐसे नहीं हुआ, इसको खिलाफ जो लगातार संघर्ष होते रहा, इसको खिलाफ लड़ते हुए काफी उद्योगों में मजदूर यूनियन जो अपने ये मांग को हासिल किया, इसी के ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट फाइनली छप्पा दिया, आसमान से टपका नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो राय है वो भी मजदूर आंदोलन के संघर्ष के एक रिजल्ट है, उसका फल है। जब सुप्रीम कोर्ट के जो अनुमोदन हम हासिल किया यही इसको हथियार बना के अभी हम सरकार और सारे उद्योगपतियों सारे पूंजीपतियों मालिकान को भी हमको मजबूर करना है इसको लागू करने के लिए, यही हमारे संघर्ष के रास्ता है आने वाला दिन, आसान नहीं होगा खड़ा हम बोलेगा और मान लेगा ऐसा बात भी नहीं है। क्या चल रहा है देश में, लूटपाट के नौटंकी चल रहा है, सर्वश्रेष्ठ है नोटबंदी, लाखों मजदूर अपने रोजगार खो दिया, लाखों
अभी अभी सुबह हम दफ्तर जाने का पहले वो एटीएम खाली था, हम बोला चलो मौका मिल गया खाली है, घुसा अपना कार्ड घुसाया पिन डाला, बोलता है नो कैश। अरे नौटंकी कर रहा है, कल कागज में आया सब मंत्री ने प्रेस वार्ता बुला के बोला सारे कर्मचारियों को हम बैंक के जरिए तनख्वाह देंगे। बड़ा बात है, कितने बैंक है देशों में, 1,06,000 ब्रांच है, और 1,06,000 ब्रांच के जरिए हमारे देश में, हमारे देश का 35 भाग एरिया में कोई बैंक का परिसेवा नहीं है। आप बैंक के जरिए तनख्वाह दोगे अच्छी है, जहां बैंक है अच्छी है, लेकिन जहां बैंक नहीं है अब क्या करोगे। कानून के अंदर प्रावधान है मजदूर अपने मत देगा कैसे अपना तनख्वाह लेंगे, कैसे अपना तनख्वाह लेंगे, मजदूर अपना ओपिनियन देगा और सहमति के आधार पर बैंक के जरिए आप मजदूरों को पेमेंट कर सकता है। आज का जो कानून का प्रावधान ये है, लेकिन ये जो नए कानून लाना चाह रहा है ऑर्डिनेंस के जरिए, संसद में भी उसका प्रतिया 16 तारीख को डाला गया, क्या चाहते हैं ये मजदूरों को, क्या भाई बहुत व्यस्त है, मजदूरों को जरिए, मजदूरों को सहमति के आधार पर ही किया जा सकता है, आज का कानून का प्रावधान है। और जो बदलाव करना चाह रहा है उसी में ये प्रावधान को हटा रहा है, सरकार चाहेगा जहां भी हो वो बैंक के जरिए पेमेंट चालू कर सकता है, वो देखेगा नहीं जो कर्मचारियों को अपना बैंक अकाउंट है कि नहीं, जो 5,000 रुपया महीना कमाता है वो बैंक के तरफ देखने का भी मौका नहीं मिलता है, तनख्वाह मिलने के बाद 5,000 से 2,500 पुराना कर्जा चुकाने के लिए चला जाता है, बाकी 2,500 में चावल गेहूं खरीद के पेट में डालना चाहते हैं, कपड़ा खरीदने का भी कैपेसिटी नहीं रहता है। ये हमारे देश की हकीकत है, ये श्रम दफ्तर है, इसका रिपोर्ट जो पब्लिश किया ये रिपोर्ट के आधार पर बोल रहा है ये लोग, जो हमारे देश में 70% ठेका मजदूर जो 5,000 के कम रोजगार कर रहा है, हमारे रिपोर्ट नहीं है ये, श्रम दफ्तर का पब्लिश किए हुए रिपोर्ट है, 70% के ऊपर ठेका मजदूर जो रोजगार 5,000 के कम कर रहा है, तो 5,000 से बैंक के तरफ देखा जा सकता है आजकल का जमाना में। ये नौटंकी चालू किया है, ऐसा बहुत सारे नौटंकी होगा, प्यार के बातों से ये बदला नहीं जाएगा जब तक संघर्ष की आवाज इसको सुनाया नहीं जाएगा, जब तक इसको ये महसूस नहीं करवाया जाएगा अगर चलाना है तो मेरे बात सुनो, अगर संस्था चलाना है तो मेरे बात सुनो, यही स्तर तक यही ऊंचाई तक हमारे संघर्ष को ले जाना होगा आने वाला दिन में, और जरूर हम ले पाएंगे। 2 सितंबर 2 सितंबर 16 का हड़ताल दिखा दिया मजदूर चाहे तो दुनिया ठप कर सकता है, अभी तो एक दिन का ठप किया, आज को बाद एक के जगह में 2 दिन, 2 के जगह में 4 दिन, हफ्ते भर ठप करने को का दिशा में हमारे संघर्ष को ले जाना होगा, और हम जरूर ले जाएंगे। देश के मजदूर हड़ताल के जरिए दिखा दिया है जो हम संघर्ष के लिए तैयार है, आप आओ तो सही संघर्ष के राह दिखाओ, आपको सबको मिलके ये करना है। तो साथियों अंत में यही बोलना है, आप श्रम मंत्री को पास अपना डेपुटेशन ले जाएंगे, जाइए बता के आइए, हम कुछ नहीं मांग रहा है, देश के कानून जो बोल रहा है, हम बोल रहे हैं कानून को लागू कर, कानून को लागू करने का जो बात है कोई अपराध नहीं है, लेकिन कानून जो लागू नहीं करते हैं वो अपराधी है, और ये कानून लागू करने का जिम्मेदारी मंत्री होते हुए आपको है, आपको प्रशासन का है, आपको सरकार का है, अपराध आप कर रहा है, दिन पर दिन ये अपराध नहीं चल सकता है, देश के जनता मजदूर आपको ये अपराध करने नहीं देंगे आने वाला दिन में, और वही दिशा में हम अपने संघर्ष बनाएंगे, यही बात आप बोल के आइएगा। यही बोलते हुए हम दोबारा बोल रहे हैं, ये शुरुआत है, जो जो संस्था में आया आप लोग
वो संस्था के आम मजदूरों को जोड़िए इस मुद्दे पर। हर संस्था के आधार पर अगला जनवरी का 15-16 तारीख तक हर संस्था में ठोस जो बात है, कितने मजदूर क्या काम कर रहा है, कौन सा काम, ये सारे लिखते हुए ज्ञापन दीजिए। जो इधर समान काम में समान वेतन नहीं दे रहा है, इसी के चलते देश के कानून का उल्लंघन होता है, इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर है उसका उल्लंघन होता है। अब तुरंत कार्रवाई कीजिए, अपना प्रबंधन को देना, लेबर दफ्तर को देना, जो तुरंत इसका व्यवस्था कीजिए। ऐसा लाखों ज्ञापन लेके हमारे दूसरे चरण का संघर्ष होगा, संस्था के आधार पर भी, देश के आधार पर भी, और ऊंचाई में इस संघर्ष को ले जाना आप जरूर करेंगे। ये बात करते हुए ये जो शुरुआत हुआ है संघर्ष को, इसको आगे ले जाने के लिए आप लाभबंद रहेंगे और लगातार ये प्रक्रिया में कोशिश करते रहेंगे। हमको जमीनी स्तर में रुकावट पैदा करना है, तभी जाके कानून लागू हो सकता है। और ये रुकावट पैदा करना कोई अपराध नहीं है, क्या हम कानून को लागू करने के लिए रुकावट पैदा करने जा रहा है हड़ताल के जरिए, अपने संघर्ष के जरिए, इसका तैयारी कीजिए। यही बात बोलते हुए आपको बधाई देते हुए मेरे बात खत्म करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद।